7.58 मीटर फेंका, उसके बाद नौबत ही नहीं आई। 2 करोड़ की पुरस्कार राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीरज चोपड़ा के लिए। भाई को चूरमा खाना बहुत पसंद है और पीएम साहब ने चूरमा खिलाया था, जब घर जाएंगे तो मां खैर अपने हाथों से खिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। उसके बाद बुला रहा हूं हमारे रेसलिंग के सिल्वर मेडलिस्ट दोस्त रवि दहिया जी को। रेसलिंग में दोस्तों आप 3-4 तरह से मैचेस जीत सकते हैं, एक तो है पॉइंट से, दूसरा है टेक्निकल सुपीरियोरिटी से, और तीसरा है पिन फॉल करके। रवि दहिया इतना बेहतरीन खेले कि पॉइंट से जीतने की नौबत ही नहीं आई। या तो इन्होंने टेक्निकल सुपीरियोरिटी लगाई यानी 10 पॉइंट की लीड बनाई, या चित किया अपने विरोधी को। इतना एक तरफा इन्होंने अपने सारे मैचेस जीते थे। तालियां कम हो गई हैं। सिल्वर मेडल है भाई के नाम और चित बहुत अच्छा करते हैं। अगर रवि के पास एक मेडल है तो पीवी सिंधु के पास दो मेडल हैं। पीवी सिंधु लेडीज एंड जेंटलमैन डबल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट, फर्स्ट फीमेल डबल ओलंपिक इंडिविजुअल मेडलिस्ट। ये तालियां रुक क्यों गई हैं भाई? 2 मेडल ऐसे ही नहीं आते ओलंपिक्स में। पद्म भूषण पीवी सिंधु, इनके पिताजी को अभी आपने देखा था, जो खुद अर्जुन अवार्डी वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं। इनकी माताजी नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं, तो खेल तो इनके जीन्स में है और उसका असर इन्होंने साफ तौर पे दिखा दिया है। चलिए महिला शक्ति को ही सम्मानित करने का सिलसिला जारी रखते हैं और बुलाते हैं गुवाहाटी असम की सुपुत्री और भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन को। पहला ओलंपिक था लवलीना का और क्या कमाल का, इन्होंने दोनों के दोनों बाउट जीते थे। एक रोचक बात इनके बारे में बता दूं, इनकी 2 बहनें हैं लीचा और लीमा, वो दोनों किक बॉक्सर हैं। लवलीना भी जब छोटी थी तो किक बॉक्सिंग किया करती थी, उसके बाद इन्होंने किक हटा दिया और पूरी तरह से बॉक्सिंग में चली गई। तालियां कम हो गई हैं। इनका एक पंच खाके देखिए, सारा दिन तालियां बजाते रहेंगे आप। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के बाद इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया, ताकि थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर तरीके से दूसरों को पीट सकें, और करके दिखा दिया। अब मेरा निवेदन है वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर बजरंग पुनिया भाई को। पहले दोनों बाउट में मुझे लग रहा था कि बजरंग के घुटने में चोट है, थोड़ा स्ट्रैप लगा के खेल रहे थे, थोड़ा डिफेंसिव हो रहे थे, पर जब ब्रॉन्ज मेडल का मैच आया भाई ने स्ट्रैप हटा दिया और 8-0 से एक तरफा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार बजरंग पुनिया को दे रही है। इस बार भाई ब्रॉन्ज लाया है, पेरिस में गोल्ड पक्का है, वर्ल्ड नंबर 1 है बजरंग पुनिया। चलिए अब बुलाते हैं उस टीम को जिसमें एक नहीं 16 को मिलकर खेलना होता है, 11+5 आपकी अपनी पुरुष हॉकी टीम। सबसे पहले हमारे गोलकीपर कहां है? पीआर श्रीजेश। हर एक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। सारी की सारी पुरुष टीम आ जाए। पीआर श्रीजेश भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, भारतीय हॉकी की दीवार। भाई कितने गोल इन्होंने बचाए हैं, उससे 100 गुना तालियां बजनी चाहिए। दिलप्रीत सिंह 3 गोल किए थे दिलप्रीत ने ओलंपिक्स में, 300 तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। उसके बाद नंबर आता है टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के नंबर